इस मैदान में उपस्थित आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान दोस्तों को और प्यारे बच्चों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, हालांकि ये एक चुनावी सभा है, लेकिन इस चुनावी सभा में जो देश की राजनीति है उस पे बात करने के अलावे जो हमारे समाज की परिस्थिति बनती जा रही है उस संबंध में भी मैं कुछ बात साझा करना चाहता हूं। मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, मुझे कल यानी 18 तारीख को शाम में इस विधानसभा में आना था, लेकिन आप जानते हैं कि देश के दूसरे हिस्सों में भी चुनाव है और चुनाव प्रचार के सिलसिले में मैं महाराष्ट्र में था और आने जाने की जो परेशानी है, आने जाने के साधन की जो उपलब्धता है उसकी कमी के चलते मैं कल आने में असमर्थ था। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की बजाय जो मैं आज यहां पहुंचा हूं इस बात के लिए आप हमें माफ करेंगे। दोस्तों, मैं देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों गया हूं, अभी महाराष्ट्र के चुनाव में भी मैं था। चुनाव होता है, आज से चुनाव नहीं हो रहा है, जब से हमारा देश आजाद हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, तब से ही चुनाव हो रहे हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बनी कि मध्यावधि चुनाव हुए, सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, बीच में ही चुनाव कराना पड़ा। लेकिन अमूमन 5 साल में चुनाव होते हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको चुनाव का अनुभव रहा होगा, जो नौजवान हैं वो अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि चुनाव में होता क्या था। देश में बहुदलीय व्यवस्था है, अलग अलग पार्टियां हैं। हिंदुस्तान की जमहूरियत एक ऐसी जमहूरियत है जहां हर तरह के दल आपको देखने को मिलेंगे। एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जब भारत का विभाजन 47 में हो गया तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा था और उसके बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए, भारत के उस हिस्से में चले गए। लेकिन आज भी मुस्लिम लीग नाम की भी एक पार्टी है। हिंदुस्तान की जमहूरियत की खासियत यह है कि पार्टियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस से कई तरह के कांग्रेस निकले, कई तरह के कांग्रेस का निर्माण हुआ। बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी भी कभी कांग्रेस के स्टूडेंट विंग की लीडर हुआ करती थी। महाराष्ट्र में जो शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी, वो भी कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। जो आज आप बिहार की राजनीति को देखेंगे, चाहे रामविलास पासवान हो, नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, शरद यादव जी हो, ये कभी जनता दल में हुआ करते थे। तो हिंदुस्तान की जमहूरियत की ये खासियत थी कि बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ पे अलग अलग तरह के दल हैं, अलग अलग